प्रशासन, श्री नेशन लाकड़ा साहब, सदस्य सुरक्षा समिति, परम आदरणीय उप महाप्रबंधक द्वितीय रेखा श्री हिमांशु चक्रवर्ती साहब, परम आदरणीय वरिष्ठ प्रबंधक केंद्रीय भंडार कोटेश्वर श्री स्वर्ण सिंह नेगी साहब, प्रबंधन प्रतिनिधि सदस्य सुरक्षा समिति, सुरक्षा दिवस 4 मार्च के अवसर पर उपस्थित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं समुदाय सर्वकों का मैं सुरक्षा विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य एवं इसके प्रारंभिक इतिहास से आपको संक्षेप में परिचित करवाना चाहता हूँ। भारतवर्ष में औद्योगिक क्रांति, विकास कार्यों की प्रगति, उन्नति, सीमाओं की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले श्रम साधकों, जवानों को याद करने के दिवस के रूप में याद किया जाता है। हमारे देश के खुशहाल स्वावलंबी भविष्य के निर्माण में अपना देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जवानों की शहादत को नमन करने का दिवस है। देश में हर साल 4 मार्च को राष्ट्र सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के नागरिकों, सैनिकों, जवानों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को 8,000 सदस्यों को शामिल करते हुए की गई थी। इस अवसर पर तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए व्यापक चेतना जगाने का उद्घोष किया था। आम जन को अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक स्वशासी, गैर सरकारी, गैर लाभकारी संस्थान है। वर्ष 1930 में एक जर्मन वैज्ञानिक H.W. हेनरिच ने उद्घोष किया था कि दुर्घटना होती नहीं की जाती है। बाद में सुरक्षा दिवस की औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने हेतु जागरूकता की अहमियत के दृष्टिगत सन 1972 से संगठन द्वारा राष्ट्र सुरक्षा दिवस और 4 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया था। आज हम 50वां राष्ट्र सुरक्षा दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस वर्ष 2021 के लिए जो राष्ट्र सुरक्षा की थीम है, आपदा से सीखें और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करें। हमारे मध्य हमारे विभागाध्यक्ष आदरणीय SK जिंदल साहब मुख्यालय से बाहर होने के कारण सुरक्षा विभाग की ओर से श्री सोनलाल जायसवाल जी, प्रबंधक सुरक्षा, सचिव सुरक्षा समिति BOCW एक्ट, सुरक्षा दिवस पर अपना संबोधन। वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा दिवस 4 मार्च एवं सुरक्षा सप्ताह 4 मार्च से 10 मार्च के शुभ अवसर पर परिसर परियोजना में अपनी अमूल्य सेवाएं देने वाले समस्त कार्मिकों, श्रम साधकों एवं उच्च प्रबंधन वर्ग तथा अधिकारियों, कर्मचारियों का मैं सुरक्षा विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महाप्रबंधक परियोजना के कुशल दिशा निर्देशन में समस्त कार्यदायी विभाग का अनुपालन सुरक्षा जागरूकता का परिचय दिया है। सुरक्षा विभाग द्वारा समयबद्ध निर्धारित कार्यक्रमों के तहत मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर सुरक्षा समिति की बैठकों का विधिवत आयोजन करना, बैठक में कारखाना अधिनियम के माध्यम से आम जनता को गांव-गांव के घर घर में जाकर राहत सामग्री, अनाज आदि बृहत स्तर पर वितरित किया गया। डिस्पेंसरी कोटेश्वर के माध्यम से कोटेश्वर परियोजना में COVID-19 की वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु लगातार सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करके सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। सुरक्षा विभाग द्वारा परियोजना कार्यस्थलों पर निरीक्षण एवं टूल बॉक्स स्टॉक करके सुरक्षा समिति की बैठकें एवं सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से परियोजना में कार्यरत कार्मिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही COVID-19 के संक्रमण की महामारी से आज 4 मार्च को मनाया जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तथा 4 मार्च से 10 मार्च तक आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के प्रारंभ होने पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और यह अनुरोध करता हूँ कि आप सुरक्षित रहकर खतरों की जानकारी रखते हुए असुरक्षित कृत्य